दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि फोन पे से एटीएम कार्ड के जरिए या फिर यूपीआई आईडी के जरिए कैसे अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि फोन पे से कैसे मोबाइल रिचार्ज किया जाता है, तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम अपने फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि फोन पे से कैसे मोबाइल रिचार्ज किया जाता है। इसके लिए हम यहाँ से ओपन करते हैं अपने फोन पे एप्स को। दोस्तों, यहाँ पे फोन पे एप्स ओपन हो जाने के बाद अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा मोबाइल रिचार्ज पे। और यहाँ पे अगर आप इनमें से किसी नंबर को रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाय द वे, वो नंबर आपके अगर फोन में सेव है तो यहाँ पे आप नेम डाल के सर्च कर सकते हैं, या फिर चाहे तो वो नंबर अगर आपके फोन में नहीं सेव है तो यहाँ पे आप वो नंबर इंटर कीजिएगा। नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद अगर ये ऑपरेटर नेम सही नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। जिस कंपनी का सिम है आप उसे सेलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपकी जिस स्टेट का सिम है अगर वो यहाँ पे सही नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे सेट कर सकते हैं। वैसे ये करेक्टली है, अक्सर आता है। और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा कि आप कितने रुपए का रिचार्ज करना चाहते हैं। यहाँ पे चाहे तो आपके नंबर पे क्या स्कीम चल रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे नंबर पे क्या स्कीम अभी चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं 10 रुपए का रिचार्ज आपको करके दिखलाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं 10 इंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पे 10 रुपए इंटर कर देने के बाद आपको 10 रुपए में क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ये दिखलाता है कि 10 रुपए में आपको 7 रुपए 47 पैसे मिलेंगे। तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। इतना कर लेने के बाद अब आप नीचे की तरफ आते हैं, तो अगर आप अपना मोबाइल नंबर एटीएम कार्ड के जरिए अगर रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा डेबिट कार्ड पे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक पहले से ये कार्ड ऐड किया हूँ, इसलिए यहाँ पे ये दिखला रहा है। तो आपके फोन में अगर पहले से कोई कार्ड सेव नहीं होगा तो ये नहीं दिखलाई देगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा यूज अनदर कार्ड यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एटीएम की कार्ड नंबर डालना होगा। ये कार्ड नंबर 16 अंक का होता है और आपके एटीएम पे आगे लिखा हुआ होता है, और यहाँ पे आपके एटीएम पे ही लिखा हुआ एक्सपायरी डेट डालिएगा। और यहाँ पे ये CVV नंबर है, ये एटीएम के पीछे की तरफ कि 3 डिजिट का नंबर होता है वो यहाँ पे डालिएगा। और इतना कर लेने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा रिचार्ज पे। तो आपके बैंक अकाउंट से लिंक नंबर पे एक OTP आएगा, और OTP डालने के बाद आपके नंबर पे रिचार्ज हो जाएंगी। अगर आपकी फोन पे की वॉलेट में बैलेंस होगी तो आप यहाँ पे फोन पे की वॉलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप UPI ID के जरिए रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। UPI ID के जरिए रिचार्ज करने के लिए आपकी बैंक अकाउंट आपकी फोन पे ऐप से लिंक होना चाहिए, तभी आप रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप अपना फोन पे अकाउंट को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया है तो उस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं UPI को सिलेक्ट किया हूँ, और इसके बाद यहाँ पे आपकी फोन पे ऐप से जो बैंक अकाउंट लिंक रहता है उसका यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा रिचार्ज पे। अब रिचार्ज पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको अपना UPI ID डालना होता है। जब आप अपने फोन पे एप्स को अपने बैंक अकाउंट से लिंक किए होंगे तो वहाँ पे आप एक UPI क्रिएट किए होंगे, आप वही UPI यहाँ पे इंटर कीजिएगा। UPI ID डाल देने के बाद आप यहाँ पे स्टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके नंबर पे रिचार्ज होने लगता है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे मेरा 10 रुपए का रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ छोटी से वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।